हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिग्नल सिस्टम लैपलास ट्रांसफॉर्म में एलन वी ओपेनियम का प्रॉब्लम नंबर 9.38 का सलूशन करने जा रहे हैं। 9.38 नंबर प्रॉब्लम में एक फोर डिग्री का ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, सिस्टम फंक्शन दे रखा है और इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। ब्लॉक डायग्राम जो ए पार्ट कर रहे हैं, 9.38 का ए पार्ट पहले कर रहे हैं, फिर बी सी भी करेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैस्केड फॉर्म में करना है। किसका कैस्केड? फोर फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन का, मतलब ए फोर डिग्री का जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट ऑर्डर के चार सेक्शन में चेंज करना है और उसको कैस्केड फॉर्म में लेके आना है। लेकिन इसमें शो करना है कि विल कंटेन मल्टीप्लिकेशन बाय कोफिशिएंट दैट आर नॉट प्योरली रियल, मतलब कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट भी आएंगे। तो कैसे इसको शो करते हैं कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के लिए? तो इसके अगर पोल्स निकालेंगे, एचएस के पोल्स है ना, पोल्स के लिए क्या करेंगे, पोल्स ऑफ एचएस निकालेंगे तो एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा एंड एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां से ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर ले तो ए इक्वल टू वन है, बी इक्वल टू माइनस वन है और सी इक्वल टू वन है। इसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालेंगे, चेक कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स आएगा या रियल आएगा इसके पोल, तो बी की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर है माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, वन माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, लेस देन जीरो है। इसका मतलब पोल्स आर नॉट रियल, रियल नहीं है। तो ये तो सो हो गया, पोल्स जब रियल नहीं है तो इसके फैक्टर रियल नहीं होंगे। तो लीनियर कैस्केड इंटरकनेक्शन जब करेंगे चार सेक्शन का, फोर सेक्शन का, तो रियल कोफिशिएंट सबके नहीं होंगे। तो फैक्टर अगर करने के लिए एस की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए होता है। रूट जब निकलते हैं तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट माइनस थ्री डिवाइड बाई टू इंटू वन, ये हो गया वन प्लस माइनस रूट थ्री जे डिवाइड बाई टू आ गया। और इससे निकालेंगे तो ए एस प्लस वन का स्क्वायर है, एस इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन, दो पोल आ गया। एच एस को फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो एच एस इक्वल टू आ गया वन अपॉन, इसका फैक्टर करेंगे दो रूट है अल्फा बीटा तो इसका फैक्टर एस माइनस अल्फा इंटू एस माइनस बीटा होगा, मतलब s माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू जे इंटू एस माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू जे। एक बार प्लस वाले को s माइनस अल्फा लिखे, यहां से करेंगे ना, तो अल्फा इक्वल टू वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू जे और बीटा इक्वल टू वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू जे, ठीक है, s माइनस अल्फा इंटू एस माइनस बीटा इंटू एस प्लस वन का स्क्वायर। इसको अलग अलग हम कर लें तो एच एस इक्वल टू होगा वन अपॉन एस माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू जे इंटू वन अपॉन एस माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू जे इंटू वन अपॉन एस प्लस वन इंटू वन अपॉन एस प्लस वन। ये चार सिस्टम फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए। इन चारों का अलग अलग सेक्शन में ब्लॉक डायग्राम बना के चारों को कैस्केड इंटरकनेक्शन में कंबाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी हम कर ही लेते हैं। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। ऐसे ही सिंपल सा आपको समझाने के लिए, आपको क्या समझाएंगे, आप खुद समझदार हैं, थोड़ी हेल्प थोड़ी इनिशिएशन आपको देने के लिए। एक्स टी अगर इनपुट दे दें
इंडिविजुअल सेक्शन तो आप जानते हैं ना कैसे प्लॉट करते हैं, वन अपॉन एस माइनस अल्फा होता है, तो हम इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक्स टी इनपुट दे देते हैं, यहां वन बाई एस लगाते हैं, यहां वाई टी आउटपुट होता है, और एक फीडबैक सिस्टम होता है, फीडबैक में हम माइनस अल्फा है तो प्लस अल्फा देते हैं, ये फीडबैक में जाता है इस सिस्टम में, वापस आउटपुट वापस होके इनपुट में आता है। तो इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए बना रहे हैं, पहले ब्लॉक के लिए बना रहे हैं, तो यहां वन बाई एस होगा, जो ये ब्लॉक होगा इसमें एस माइनस अल्फा है तो अल्फा का वैल्यू वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू जे है, ए आएगा, फीडबैक होगा, फिर इंटरकनेक्ट होगा दूसरे सिस्टम से, दूसरा सिस्टम भी वन बाई एस लगा लेते हैं, फिर यहां से फीडबैक होके आएगा वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू जे, ये वापस आएगा, यहां एडर लगा लीजिए, फिर तीसरा, ये दोनों का काम तो हो गया, फिर तीसरा सिस्टम एस प्लस वन के लिए क्या करें, फिर वापस एडर होगा, एरो वगैरह लगाते चलिए, वन बाई एस, यहां वन लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वन को मैं छोड़ ही देता हूं, सिंपली ये वापस आ जाएगा, फिर नेक्स्ट एडर करेंगे, अच्छा माइनस वन आएगा ना, एस प्लस वन है तो यहां माइनस वन आएगा, माइनस वन तो लगाना पड़ेगा, या यहां माइनस लगा दें, अगले वाले में जैसे मैं बता रहा हूं, वन बाई एस लगाया हमने, इधर कुछ नहीं लगाया, यहां माइनस साइन दे दिया, मतलब यहां माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां आउटपुट आ गया, ये चार सेक्शन है जो कैस्केड फॉर्म में है, और ये चारों का कंबाइंड फॉर्म है आपका एचएस। तो ए पार्ट आपने देख लिया कि ये चारों को कैस्केड फॉर्म में हमने कर लिया, ठीक है, एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेक्शन में, लीनियर सेक्शन में, और इसका कंबाइंड फॉर्म आपका एचएस हो गया। हाँ, इसमें ये था कि इसके जो कोफिशियंट्स आएंगे वो प्योरली रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स आए, ऐसा दिख भी गया ना, सो डेट वी करने बोला था। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट क्वेश्चन, बी पार्ट नंबर प्रॉब्लम आपका क्या कहता है ये देखते हैं, बी पार्ट नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। तो बी पार्ट में दे रखा है, ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर एस एज ए कैस्केड इंटरकनेक्शन ऑफ टू सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का मल्टीप्लाई में तो दे ही रखा है, ईच ऑफ विच इज रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्ट फॉर्म, देयर शुड बी नो मल्टीप्लिकेशन बाई नॉन रियल कोफिशियंट इन द रिजल्टिंग ब्लॉक डायग्राम। नॉन रियल कोफिशियंट तो आएगा ही, कोई रियल कोफिशियंट ही आएगा, सारा ऑलरेडी रियल में है, इसका फैक्टर तो करना नहीं है फिर, है ना। तो देखते हैं, इसको दो सिस्टम मान लेते हैं, मान लिया एक्स टी इनपुट दे रहे हैं, तो एच वन एस इन सिस्टम फंक्शन है, यहां से वाई वन टी आउटपुट आ रहा है, दूसरा सिस्टम फंक्शन एच टू एस है, तो यहां से वाई टी आउटपुट आ रहा है, या ई टी मान लेते हैं ना, यहाँ ई टी आउटपुट आ रहा है, ठीक है, कोई, तो एच वन एस अगर इससे देख लें, इस पूरे को मिला के एच एस है, एच एस इक्वल टू क्या होगा, एच वन एस इंटू एच टू एस से कंपेयर कर दें, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन, ठीक है, अगर कंपेयर कर दें तो एच वन एस, हम ऐसा कर लेते हैं लेट, कि एच वन एस हमारा है वन बाई एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन, और एच टू एस है वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन, तो एक का अलग अलग ब्लॉक डायग्राम हम बनाएंगे, मतलब एच वन एस अगर बोले तो क्या बोलेंगे, ई एस अपॉन एक्स एस इक्वल टू क्या है, वन बाई एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स एस इक्वल टू एस स्क्वायर ई एस माइनस एस ई एस प्लस ई एस,
ऐसा कर सकते हैं एस स्क्वायर एस, इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर एस इक्वल टू एक्स एस प्लस एस एस माइनस एस। अब देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, देखिए जगह तो कम है, इसको मिटाना पड़ेगा, ये मिटा के मैं बनाता हूं। एस स्क्वायर ये आउटपुट में है, एक एडर है, दो एड हो रहा है इसमें, एस स्क्वायर एस इसका आउटपुट है इस एडर का, और एक इनपुट एस ई एस है, एक इनपुट तो एक्सेस है इसका, तो एक इनपुट एक्सेस एक्सटी लिख देता हूं, एक्सेस हो गया। दूसरा इनपुट एस ई एस है, एस ई एस कैसे आएगा, इसमें इंटीग्रेटर लगाएंगे तो इससे जो आउटपुट आएगा एस ई एस आएगा, तो दूसरा जो इनपुट है एस ई एस में वन मल्टीप्लाई को आया है। चलिए नेक्स्ट जो इनपुट है, नेक्स्ट जो इनपुट है वो ई एस सिर्फ है, तो सिर्फ ई एस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर एक इंटीग्रेटर लगाना पड़ेगा वन बाई एस, यहां पे ई एस हो गया। अब यहां से जो आउटपुट आ रहा है उसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर इस एडर में एड हो रहा है और इससे इसमें जा रहा है, तो फर्स्ट वाले का ब्लॉक डायग्राम बन गया, एच वन एस इक्वल टू वन बाई एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन का ब्लॉक डायग्राम बन गया, है ना। सेकेंड वाले का ऐसे ही ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, एच टू एस, एच टू एस का मतलब वाई एस अपॉन ई एस, यहां पे जो आउटपुट आया है वो ई एस आया है, है ना, वाई एस अपॉन ई एस इक्वल टू वन बाई एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दे तो ई एस इक्वल टू हो जाएगा, या ऐसा लिखे एस स्क्वायर वाई एस प्लस टू एस वाई एस प्लस वाई एस इक्वल टू ई एस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेफ्ट, क्वाड्रेटिक वाले को, सेकेंड डिग्री वाले को लेफ्ट साइड रखेगा तो आपको आसानी होगी, ई एस माइनस टू एस वाई एस माइनस वाई एस। अब इसे ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में लिखते हैं कि नेक्स्ट जो एडर आएगा इसका एक इनपुट, तो चलिए यहां ई एस आ रहा है ना, एक इनपुट तो ई एस है ना, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, एस स्क्वायर वाई एस। दूसरा इनपुट जो आएगा एस वाई एस, तो एस वाई एस हमें लाने के लिए इसको इंटीग्रेटर लगाना पड़ेगा, तब यहां पे एस वाई एस आएगा, यहां से इसमें इनपुट लाना है ना जी, तो माइनस टू है, और सिर्फ यही नहीं लेके आना है, एक और लाना है, तो यहां एडर लगा दे, अगला वाला भी इसमें आके एड होगा। अगला क्या है, वाई एस, एस वाई एस से वाई एस पता लेके आना है, तो इंटीग्रेटर लगा दे, यहां पे वाई एस आ गया, वाई एस में माइनस वन से मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड हो रहा है और ए जाके इसमें इनपुट आ रहा है, मतलब एस स्क्वायर वाई एस इक्वल टू ई एस माइनस टू एस वाई एस माइनस वाई एस, मतलब यहां पे जो इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस टू एस वाई एस माइनस वाई एस। ठीक है, तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो वाई टी आएगा, ये दोनों 2 डिग्री का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैस्केड फॉर्म में ऐड हो गया। आगे समझ में, सिंपल तरीके से, इस तरीके से अगर याद नहीं है कि कैसे करना है, नॉर्मली तो क्या होता है कि ब्लॉक डायग्राफ का फॉर्मेट ही लोग याद कर लेते हैं, नहीं याद है तो इस तरीके से ब्रेक करके करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। किसी दूसरे एस क्यू एस एस का पावर फोर कुछ भी लिखा हुआ है तो आप कर पाएंगे, है ना, ठीक है, कर लेंगे। अब ब्लॉक डायग्राम के भी हमने चार क्वेश्चन कर लिया, अब इसी पार्ट भी इसका करेंगे। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतना सारा आप करवा रहे हैं 6 महीने के सेमेस्टर में, इतना सारा कैसे हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, हमें सिर्फ सिंगल सिस्टम नहीं पढ़ना है, बाकी दूसरे पेपर भी पढ़ते पढ़ना है। तो ये समस्या तो आपके साथ भी आती है, हम जब पढ़ते थे तो हमारे साथ भी आती थी, सबके साथ आती है, कभी किसी के पास ज्यादा समय नहीं होता है।
समय कम होता है और सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, ये समस्या सबके साथ आती है। तो जब इंजीनियरिंग की आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक चीज आप मन में ठान लीजिए, एक बात नहीं है ना, दो बातें मन में ठान लीजिए। ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा तो कभी समस्या नहीं आएगी, इंजीनियरिंग एस से गुजरेगा। एक है सिलेक्टिव स्टडी, और दूसरा है एडवांस स्टडी। ये दोनों मूल मंत्र है पढ़ाई के, खासकर बीटेक वालों को जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम में जा रहे हैं पेरों में। सिलेक्टिव स्टडी और एडवांस स्टडी, पहली चीज कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, हर चीज आप पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो हौच पौच हो जाएंगे, सारा मैटर जस का तस रखा रह जाएगा, कुछ पल्ले नहीं आएगा। पहले सिलेक्ट करना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है, जो काम की चीजें हैं सिर्फ उसी को पढ़ना है, बाकी की चीजें अपने आप कवर हो जाएगी। जो मेन पॉइंट है, मेन चीज है, वो अगर आपके समझ में आ गया, ब्लॉक डायग्राम बनाना आ गया, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म करना आ गया, ऐसे चीजें वन बाई वन हम कन्वोल्यूशन करना आ गया हमें, तो ये टारगेट कर करके सिलेक्ट कर करके हम चीजें सीखते जाएंगे कि ये चीज हमें करना आ गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात है एडवांस स्टडी का, हमें कंसेप्ट लाना चाहिए कि ये सेमेस्टर में अगर हमें सिग्नल सिस्टम पेपर है, नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर है, उसकी भी थोड़ी बहुत स्टडी हम पहले से ही करते रहे, शौक के हिसाब से थोड़ी पहले से ही स्टडी करके रखेंगे, तो क्या होता है ना कि कोई भी कंसेप्ट अगर माइंड में बैठता है तो माइंड में कोई कंसेप्ट अच्छी तरीके से बैठने में समय लगता है। कोई चीज हम पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई से, नई चीज से आपका माइंड एडजस्ट नहीं कर पाता, एडजस्ट करने में महीना, दो महीना, चार महीना लगता है, और चार महीना लगते लगते सेमेस्टर निकल जाता है। जब आप एडवांस में पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर आने वाले को कुछ चीजें हम पहले से पढ़ेंगे, तो हमारा माइंड एडजस्ट करते करते अगला सेमेस्टर आएगा जिसमें वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तब तक हमारा माइंड पूरी तरीके से अगले सब्जेक्ट में जो नई चीज आनी है उससे एडजस्ट कर जाएगा, हमें समस्या नहीं आएगी। तो जब हम एडवांस स्टडी करते हैं तो हमारा माइंड आने वाले नई टेक्नोलॉजी या कहें नए सिलेबस से पूरी तरीके से एडजस्ट कर चुका होता है। तो ऐसे बच्चे जो थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं वो ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। इंजीनियरिंग के लिए तो ऐसो आराम की जिंदगी यही है कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनके बारे में बोलते हैं कि भाई ये तो दिन रात पार्टी करते रहता है, गर्लफ्रेंड घुमाता है, ऐस मौज मस्ती करते रहता है और इसके फुल नंबर पूरे नंबर आते हैं। तो उसका कारण यही है कि वो सेलेक्टिव स्टडी कर रहा है और एडवांस स्टडी कर रहा है ना, यूज टू हो चुका है आने वाले नए सिलेबस से, तो उसको समझने में भी समस्या नहीं आती है। कोई प्रोफेसर अगर बता रहा होता है तो फर्स्ट लर्निंग में ही उसे सारी चीजें समझ में आ जाती है, पहले पीरियड में ही सारी चीजें समझ में आ जाती है। अच्छा, इसका जो सी पार्ट बोला है ना उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्या बोला है कि यहां जो बोला है कैस्केड इंटरकनेक्शन करने के लिए ना, सी पार्ट में कैस्केड के जगह पर बस पैरेलल इंटरकनेक्शन करना है। क्या करना है? पैरेलल इंटरकनेक्शन करना है, वही टू सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट इन डायरेक्ट फॉर्म, सेम क्वेश्चन है, बस इसका पैरेलल इंटरकनेक्शन करना है। तो हम भी कैसे करेंगे, पहला ब्लॉक डायग्राम तो वही रहेगा, दूसरा जस्ट इसके नीचे आ जाएगा और एडर के थ्रू आउटपुट एड होगा। दूसरा ब्लॉक डायग्राम भी मैं यही बना देता हूं, एक तो इनपुट इसमें जा रहा है है 1/s, वहीं से उतार के मैं बना रहा हूं, बट कोई नया नहीं है, सेम ही वही चीज बननी है, 1/s यहां माइनस वन जा रहा है, यहां माइनस टू आ रहा है। एरो जरूर लगाया करें, बहुत सारे लोग बनाते समय एरो छोड़ देते हैं, गड़बड़ हो सकती है आपके समझने में भी और एग्जामिनर के भी समझने में, ठीक है ना। यही जब पैरेलल इंटरकनेक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी और इसमें फर्क है, यहाँ एडर लगते हैं, ब्लॉक डायग्राम में एक एडर यहाँ पैरेलल इंटरकनेक्शन में लगाना पड़ता है, ये डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे इस पे।
ये पैरेलल इंटरकनेक्शन हो गया दोनों का, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से का जो ट्रांसफर फंक्शन है h1s इक्वल टू 1 बाय s स्क्वायर प्लस माइनस s प्लस 1 और h2s इक्वल टू 1 बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, इन दोनों का पैरेलल इंटरकनेक्शन। अरे रा 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 सॉरी 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 सॉरी, हमने तो सस्ते भी निपटा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई। पैरेलल इंटरकनेक्शन करने के लिए आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन भी करना पड़ेगा, इतना भी आसान नहीं है ना, ऐसे धोखा आपके साथ भी होता होगा जो धोखा हमारे साथ हुआ है। पैरेलल इंटरकनेक्शन तब करेंगे जिसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा h1s प्लस h2s आएगा, ठीक है, इतना आसान भी नहीं है ना। h1s प्लस h2s आएगा, यहाँ पे h1s into h2s है, इसको पहले h1s प्लस h2s के फॉर्म में लाएं, ऐसे लाएंगे भैया ना, मिटाता थोड़ा है ना, क्या आएगा भाई, क्या किया जाए, अगर इसको माइनस करें तो क्या होगा भाई। देखिए हम पार्शियल फ्रैक्शन के ज्यादा प्रोसेस पे नहीं जाते हैं ना, ठीक है, अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा बताइए, एलसीएम तो दोनों सेम आएगा, ऊपर क्या आएगा, वन वन लगा दिया तो ऊपर क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन माइनस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस माइनस वन, ये तो सारे कट जाएंगे ना, ऊपर थ्री एस आएगा ना, ऊपर क्या आएगा थ्री एस आएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर थ्री एस आएगा, लेकिन ऐसे तो ऊपर कुछ है नहीं है ना, तो क्या करना चाहिए, ऊपर थ्री एस ले लेना चाहिए, या वन बाई एस ले ले, अगर इसका है ना ए करेंगे तो ए प्लस बी होगा ना इसका, और इसका सी एस प्लस डी है ना, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो सी एस प्लस डी, और इस हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना, क्या आएगा, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, क्या आ सकता है बताइए, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ए एस से मल्टीप्लाई होगा तो ए एस क्यू प्लस टू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन माइनस सी एस इंटू एस स्क्वायर मतलब एस क्यू माइनस एस स्क्वायर प्लस एस, एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा, माइनस सी ले लिया ना, माइनस डी भी आएगा ना, एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन। अब लेफ्ट साइड में तो देखे वन ही है सिर्फ, क्या है वन है, बाकी एस क्यू सबके कोफिशियंट जीरो होंगे, तो एस क्यू का कोफिशियंट जीरो करेंगे तो ए माइनस सी इक्वल टू जीरो होगा, ए इक्वल टू सी आ गया, चलिए एस स्क्वायर का कोफिशियंट को जीरो करेंगे तो एस स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म को वन कर देना, बी प्लस बी माइनस डी है ना, बी माइनस डी इक्वल टू वन आ गया है ना, एस स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखे तो ये कोफिशियंट ऑफ एस क्यू है, एस स्क्वायर का कोफिशियंट लिखेंगे तो टू ए, यहाँ एस स्क्वायर का कोफिशियंट बी, यहाँ एस स्क्वायर का कोफिशियंट प्लस सी, यहाँ एस स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस डी इक्वल टू जीरो आ गया ना, सी की वैल्यू ए पुट कर दे, डी की वैल्यू बी माइनस वन पुट कर दे ना, तो टू ए प्लस बी की वैल्यू डी की वैल्यू पुट करेंगे ना, सी की वैल्यू ए पुट कर दे और डी की वैल्यू क्या पुट कर दे, बी माइनस वन, तो माइनस बी प्लस वन है ना, माइनस डी की वैल्यू माइनस बी प्लस वन इक्वल टू जीरो हो गया, ए हो गया थ्री ए, बी भी कट गया ना, थ्री ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री आएगा, ए इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री,
तो सी बी आपका आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री, सी बी आ गया माइनस वन बाई थ्री। एक और एस का कोफिशियंट इक्वेट करेंगे तो, कोफिशियंट ऑफ एस करेंगे तो, एस का कोफिशियंट होगा ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो, पुट कर दिया जाए वैल्यू ना, ए इक्वल टू सी है, ए इक्वल टू सी है तो ए माइनस सी तो जीरो ही हो जाएगा, बी की वैल्यू वन प्लस डी पुट कर दे, टू इंटू वन प्लस डी प्लस डी इक्वल टू जीरो, ए हो गया टू प्लस थ्री डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री आ गया, तो ए हो जाएगा वन बाई थ्री, वन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री, मतलब क्या आ गया ए, ए की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री आ गया और बी की वैल्यू वन बाई थ्री आ गया, सी की वैल्यू वन बाई थ्री आ गया, सी की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री आ गया और डी की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री आ गया, ए है ना, तो इन दोनों के ऊपर भी जाएगा, न्यूमरेटर में भी टर्म जाएगा है ना, ठीक है, इतना आ गया, इन दोनों के जो हमने ना लिखे है ना जी, न्यूमरेटर में भी जाएगा, कैसे बनेगा, न्यूमरेटर वाले को पता होगा यहां माइनस वन बाई थ्री है तो यहां से हम निकालते हैं, यही है ना एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन, हाँ और ये दूसरा वाला है, तो यहां से हम निकालते हैं माइनस वन बाई थ्री है तो माइनस वन बाई थ्री लगाते हैं पर एडर आ जाता है, यहां वन बाई थ्री है तो यहां प्लस, यहां ऊपर न्यूमरेटर वाले में कोई साइन चेंज नहीं करता, मैं डायरेक्ट लिख कर दे रहा हूं, डिराइव करके जो कैसे करते हैं वो आप 9.36 वाले वीडियो में, 9.37 वाले वीडियो में देख चुके हैं, ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है, यहां से आउटपुट लेके जाएंगे, यहां न्यूमरेटर में देखेंगे तो ये माइनस माइनस कर लेते हैं, प्लस ही कर लेते हैं, सारे प्लस में हो जाएंगे भी, माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यहां से ऊपर जाएगा वन बाई थ्री, यहां एडर आएगा, यहां से ऊपर जाएगा टू बाई थ्री, क्वाड्रेटिक वाला होता तो यहां से जाता ना, अब ए यहां से आउटपुट में जाएगा, ठीक है, ए बाई टी आ गया, तो ए दो ए हो गया पैरेलल इंटरकनेक्शन, पहले वाला नहीं है ना, ऐसी गलतियां बहुत लोग करते हैं, जब मैं एक बार था पेपर दे रहा था तो हमसे भी यही मिस्टेक हुआ था, इसलिए मैंने आपको कर दिया कि भाई ऐसा मिस्टेक आपके साथ भी हो सकता है, कितना मुश्किल प्रॉब्लम था ना, ये तो हमने शॉर्टकट में निपटा दिया आपका समय बचाने के लिए, इन दोनों को एलसीएम लेके ए एस प्लस बी सी एस प्लस डी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट इक्वेट करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाला, जल्दीबाजी में निकाला, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आया होगा, नहीं भी आया होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने तो बहुत प्रैक्टिस किया है और बहुत सारे तरीके भी बताए हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, और भी बताएंगे उसमें अच्छे से कर लीजिएगा, मैथ बेसिक्स में भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अलग से वीडियो बना रखे हैं, उसमें भी कर लीजिएगा, तो मिलते हैं, आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और ये चीज इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, सेलेक्टिव स्टडी और एडवांस स्टडी जरूर नहीं करिएगा, अपने अपना मैंने मेरा सिर्फ सजेशन है, ऑर्डर नहीं है, अच्छा लगे तो इस क्या होता है सजेशन को फॉलो करिए, और भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने मित्रों को, बहुत बहुत धन्यवाद।